खबर झालावाड से। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के विवादित बयान को लेकर तहसीलदार सुनील को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आदर्श वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए तथ्यहीन बयान उनके मानसिक दिवलियापन का सबूत है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत के महान आदर्शों के लिए अनावश्यक विवादित बयानों से जन भावनाएं आहत हुई है तथा समाज में रोष व्याप्त हो रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप निर्विवादित रूप से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान तथा शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप पर विवादित टिप्पणी करना अशोभनीय है। हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के लिए अनावश्यक रूप से टिप्पणी करने वालों को कड़ा संदेश जाना है आवश्यक है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजस्थान सरकार से मांग करती है कि गोविंद सिंह डोटासरा को तुरंत प्रभाव से पद मुक्त किया जाए तथा अपने दिए गए बयान करने के लिए समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस दौरान जितेंद्र सिंह सिसोदिया तहसील अध्यक्ष, बाल सिंह हाड़ा तहसील संयोजक, धन सिंह, मेहरबान सिंह, अजय बना आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया आज? राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी झाला, उनके अनुगामी में मैं तहसील अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिसोदिया लाला बना। जैसा कि आपको पता है कि हर तहसील में ज्ञापन दिया जा रहा है, झालावाड़ भी दिया जा रहा है। गोविंद सिंह डोरासर नाम का कोई है प्रदेश अध्यक्ष, यह मतलब कांग्रेस का, उसके द्वारा राजनीति में उठक पटक करने के लिए उसने एक जरिया चुना है महाराणा प्रताप को। उसने बोला है कि महाराणा प्रताप सत्ता के लिए लड़े हैं, वो मातृभूमि इनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन सर्व समाज जानता है, राजपूत समाज जानता है, सभी छत्तीसी कौम जानती है कि महाराणा प्रताप ने क्या किया था। उन्होंने केवल मातृभूमि के लिए जहां वो रहते उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, वहीं उन्होंने जो मुगलों ने आक्रमण किया था, जो अकबर था तानाशाही, उसके खिलाफ उन्होंने किया है काम। वो नहीं कि इधर दिल्ली गए उधर गए, किसी को मतलब ना, वो मातृभूमि के पुत्र थे, मातृभूमि के लिए उन्होंने कार्य किया है। इसलिए डोरासर को हम संदेश देना चाहते हैं और प्रशासन और गहलोत सरकार को भी यही कहना चाहते हैं, ऐसे दुष्ट तुच्छ छोटी सोच रखने वाले और हमने जो पुतले पे लींबू के क्वार्टर भी चढ़ाए क्योंकि वो पी के बोलता है। अब राजनीति और महाराणा प्रताप काफी अलग है, लेकिन ये लोग क्यों जोड़ते हैं हाईलाइट होने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के वालों ने भी किया था कटारिया, जो भी सबक मिल गया, अभी एमपी में भी किया था, उसको भी सबक सिखा दिया, अब इसकी बारी थी। ये अपने आप नहीं बोलते, इनके क्या इनके जूते खाने का टाइम आता है ना, अपने आप मुंह से बोल देते हैं कि जाने क्या हो जाता है इनको। अब इनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर वो माफी मांगता है ठीक, और हम गवर्नमेंट सरकार और अशोक गहलोत को ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे तुच्छ व्यक्तियों को पद से हटाएं तुरंत, और ये हम अब शांतिपूर्ण अभी दे रहे हैं। अगर फिर भी नहीं मानता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए प्रशासन जिंदा ये जिम्मेदार रहेगा।